हेलो दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको हमारे आने वाले नए नए वीडियोज की नोटिफिकेशंस मिलते रहें और आप कोई भी अपडेट मिस नहीं कर पाएं। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान वैकेंसी अपडेट में। एक बार फिर से एक नई अपडेट के साथ आपके सामने हाजिर हैं दोस्तों। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर से आ रही है बड़ी खबर। पीटीआई भर्ती परीक्षा 2018 को लेकर के आ रही है बोर्ड से बड़ी खबर। प्रतिभागियों को लगा बड़ा झटका, प्रतिभागियों की यहाँ पर बड़ी मुश्किलें। पूरी ऑफिशियल न्यूज दोस्तों आपको यहाँ पर बिंदुवार बताई जाएगी। तो ले चलते हैं दोस्तों आपको यहाँ पर सीधा ऑफिशियल न्यूज की ओर और अपडेट करवाते हैं आज की इस बड़ी और लेटेस्ट न्यूज से। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता हो कि अनेक प्रतिभागियों की यहाँ पर डिमांड थी कि सर पीटीआई भर्ती परीक्षा 2018 को लेकर के कोई यहाँ पर अपडेट आ रही हो तो उससे उपलब्ध करवाइए। तो दोस्तों, इसी क्रम में आज आपको यहाँ पर अपडेट उपलब्ध करवाई गई है। लेकिन उससे पहले, यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल राजस्थान वैकेंसी अपडेट को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसी के पास में जो बेल आइकन है, घंटा का निशान, इसे जरूर दबा लीजिएगा दोस्तों, जिससे कि आपको इसी प्रकार के आने वाले लेटेस्ट वीडियोज के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल के नोटिफिकेशन बार में पहुंचकर मिलते रहें और आप कोई भी अपडेट मिस नहीं कर पाए। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए ले चलते हैं आपको सीधा अपडेट की ओर और मुखातिब करवाते हैं आज की इस बड़ी और लेटेस्ट अपडेट से। हाँ, तो दोस्तों आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 4540 पीटीआई लोकसभा चुनाव के बाद ही मिल सकेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं आज के न्यूज़पेपर में बड़ी अपडेट सामने निकल के आई है। पीटीआई भर्ती 2018 में नियुक्ति प्रक्रिया लोकसभा चुनाव बाद ही हो सकेगी। ले चलते हैं दोस्तों आपका सीधा न्यूज़ की ओर। आप देख पा रहे होंगे, अजमेर से दोस्तों न्यूज़ प्रकाशित हुई है, आप देख पा रहे होंगे। ले चलते हैं आपको न्यूज़ की ओर। प्रदेश के सरकारी स्कूलों को लोकसभा चुनाव के बाद ही 4540 पीटीआई मिल सकेंगे। कारण, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित पीटीआई भर्ती परीक्षा 2018 में अभी अभ्यर्थियों की पात्रता की जाँच का कार्य ही पूरा नहीं हो पाया है। जांच कार्य भी चुनाव के चलते प्रभावित हो रहा है। बोर्ड द्वारा पीटीआई भर्ती परीक्षा 2018 नॉन टीएसपी के 3970 और टीएसपी क्षेत्र के 570 पदों के लिए आयोजित की गई थी। इस परीक्षा का परिणाम बोर्ड द्वारा 8 फरवरी 2019 को घोषित कर दिया गया था, लेकिन करीब 2 महीने बाद भी नियुक्ति प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई है। प्रदेश भर में अभ्यर्थी नियुक्ति प्रक्रिया का इंतजार कर रहे हैं। तो दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं, लगभग नॉन टीएसपी के 3970 पद और टीएसपी के यहां पर 570 पदों पर 8 यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों, ये भर्ती परीक्षा का आयोजित किया गया था और इसके परिणाम को बोर्ड ने 8 फरवरी 2019 को जारी कर दिया था। दोस्तों कुल पद यहां पर दोस्तों ये 4540 थे, लेकिन अब यहां पर जो आप देख सकते हैं, अभी पात्रता का जो कार्य था दोस्तों, पात्रता जाँच करने का, अधीनस्थ बोर्ड अपने स्तर पर जो पात्रता जाँच, मतलब कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो कार्य कर रहा था दोस्तों, वो अब थोड़ा लंबित तो दिखाई दे रहा है दोस्तों। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो यहाँ पर कारण बताया गया, स्पष्ट किया गया है दोस्तों अधीनस्थ कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा, वो यहाँ पर बताया गया है कि लोकसभा चुनाव के कारण यहाँ के जो कर्मचारी हैं उनके चुनाव में ड्यूटी आ रही हैं, तो इस वजह से यहाँ पर स्टाफ की कमी के चलते कार्य पूरा समय से नहीं हो पा रहा है। ले चलते हैं आपको आगे न्यूज़ की ओर। पात्रता की जांच का कार्य चुनाव से हो रहा है प्रभावित। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, और अधिक यहाँ पर स्पष्ट करते हुए यहाँ पर बताया गया है, बोर्ड के आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि परिणाम घोषित किए जाने के बाद बोर्ड ने सभी अभ्यर्थियों की पात्रता की जांच के लिए फॉर्म माध्यमिक शिक्षा विभाग को भेज दिए थे। विभाग की ओर से अभ्यर्थियों की पात्रता की जांच कराई जा रही है, लेकिन लोकसभा चुनाव में शिक्षकों की ड्यूटी लग जाने से कार्य प्रभावित हो रहा है। करीब 8000 अभ्यर्थियों की पात्रता की जांच कराई जानी है। तो दोस्तों आप यहां पर देख पा रहे होंगे, लगभग 2 गुना यहां पर प्रतिभागियों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए हमें बुलाया गया है दोस्तों। आप देख सकते हैं बड़ी अपडेट यहां पर उपलब्ध कराई गई है। लगभग 4540 पदों के 2 गुने पदों पर यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि डीवी के लिए बुलाया गया है। और यहां पर कारण स्पष्ट कर दिया गया है कि माध्यमिक शिक्षा विभाग को जो फॉर्म थे उनके विस्तृत आवेदन पत्र जो उनसे भरवाए गए थे और संपूर्ण दस्तावेजों की प्रतियां लगवाई गई थी दोस्तों, उनको वहां पर भेज दिया गया है माध्यमिक शिक्षा विभाग। लेकिन दोस्तों वहां पर जितने भी प्रतिभागियों के दस्तावेज सत्यापन के लिए डॉक्यूमेंट पहुंचे थे दोस्तों, तो जो वहाँ के कार्मिक वगैरह हैं दोस्तों, जिनको दस्तावेजों का सत्यापन करना था, उनकी यहाँ चुनाव कार्य में ड्यूटी आ गई है दोस्तों। तो इससे यह जो दस्तावेज सत्यापन का कार्य है दोस्तों बाधित हो रहा है। ले चलते हैं आपको आगे अपडेट की ओर। बोर्ड भी करेगा जाँच, विभाग से पात्रता की जाँच के हो जाने के बाद कर्मचारी चयन बोर्ड भी वापस
अपने आने वाले फॉर्म की जांच करेगा, लेकिन बोर्ड पर्सनली अभ्यर्थी को नहीं बुलाएगा। इसके बाद ही पात्र अभ्यर्थियों की नियुक्ति अनुशंसा सरकार को भेजी जाएगी। तो दोस्तों, आप यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर माध्यमिक शिक्षा विभाग तो पात्रता की जांच करेगा ही करेगा, उसके बाद में जो आप देख पा रहे होंगे अपडेट निकल करके सामने आ रही है दोस्तों कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड यहाँ पर वह भी अपने स्तर पर प्रतिभागी की जांच करेगा कि उसके संपूर्ण दस्तावेजों का सत्यापन करेगा। दोस्तों आप देख सकते हैं, मतलब दोहरा सत्यापन यहाँ पर किया जाएगा। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि कुछ प्रतिभागियों ने यहाँ पर पीटीआई भर्ती परीक्षा 2018 के परिणाम के पश्चात जो फर्जी डिग्री को लेकर के धांधली का आरोप लगाया था और बताया था कि अनेक प्रतिभागी यहाँ पर फर्जी डिग्रियाँ विभिन्न विश्वविद्यालयों से करंट ईयर में लेकर के आ रहे हैं, और वो जिस प्रकार आप देख सकते हैं दोस्तों कि उन्होंने मांग की थी कि इस भर्ती परीक्षा की जांच की जाए। तो दोस्तों आपको पता होगा कि हमने कुछ दिनों पहले आपको अवगत कराया था कि एसओजी के माध्यम से यहां पर जो जांच कराने को लेकर के बेरोजगारी कृत महासंघ के निर्देशन में, जो उपेन यादव जी जिन बेरोजगारी कृत महासंघ के अध्यक्ष हैं उनके निर्देशन में जांच यहाँ पर दी गई थी एसओजी से कराने के लिए। तो दोस्तों वहाँ पर भी अब आप देख सकते हैं कि जाँच का कार्य शुरू हो गया है, और आप देख सकते हैं कि एसओजी ने अब यहाँ पर पीटीआई भर्ती 2018 के फर्जी डिग्रियों के निस्तारण के संबंध में दोस्तों अब जो अपनी जांच की प्रक्रिया है उसको शुरू कर दिया है। दोस्तों आप देख पा रहे होंगे, और इसीलिए अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विभिन्न यहाँ पर कमियों को अपने प्रारंभिक स्तर पर ही समाप्त करने के लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड भी माध्यमिक शिक्षा विभाग के दस्तावेज सत्यापन करने के पश्चात फिर से दोबारा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जांच करेगा, और उसके पश्चात ही अभ्यर्थियों की नियुक्ति की अनुशंसा सरकार को भेजेगा। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसलिए यहाँ पर आप अभी 2-3 महीने आपको यहाँ पर नियुक्ति के लिए और इंतजार करना पड़ सकता है। ले चलते हैं दोस्तों आपको आगे की न्यूज की ओर। लोकसभा चुनाव के बाद ही हो सकेगी प्रक्रिया पूरी। तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं अधीनस्थ कर्मचारी चयन बोर्ड के जो सचिव महोदय हैं मुकुट बिहारी जी जांगिड, उन्होंने यहाँ पर स्पष्ट तौर पर अपने स्टेटमेंट के प्रारंभिक इस लाइन में ही बता दिया है कि लोकसभा चुनाव के बाद यह प्रक्रिया ये पूरी हो पाएगी। तो यहाँ पर प्रतिभागियों को लगभग 2-3 महीने इंतजार करना होगा। ले चलते हैं आपको मुकुट बिहारी जांगिड जी, जो कि सचिव वर्तमान राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर से हैं, उनके स्टेटमेंट से मुखातिब करवाने के लिए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, पीटीआई भर्ती परीक्षा 2018 में पात्रता जाँच का कार्य प्रगति पर है। संबंधित विभाग फॉर्म जाँच कर व पात्रता जाँच पूरी कर बोर्ड को भेजेगा। इसके बाद बोर्ड आगे की कार्रवाई करेगा। निश्चित रूप से पूरी प्रक्रिया लोकसभा चुनाव के बाद ही हो पाएगी। तो दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं, बड़ी अपडेट सामने निकल करके आ रही है, और यहां पर बोर्ड के सचिव महोदय मुकुट बिहारी जांगिड जी ने यहां पर स्पष्ट तौर पर साफ और सटीक शब्दों में पीटीआई भर्ती परीक्षा 2018 की नियुक्ति की प्रक्रिया को लेकर के संपूर्ण स्थिति साफ करते हुए यहां पर एक निश्चित समय और डेडलाइन जारी करते हुए कह दिया है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि अब संपूर्ण प्रक्रिया लगभग आपको लोकसभा चुनाव के पश्चात ही होती हुई दिखाई देगी। तो दोस्तों अनेक प्रतिभागियों की यहां पर डिमांड थी कि सर पीटीआई भर्ती परीक्षा 2018 को लेकर के कोई अपडेट हो तो उपलब्ध करवाइए। तो दोस्तों आपको इस संबंध में ये जो आज के न्यूज़पेपर में बड़ी अपडेट सामने निकल करके आई थी दोस्तों, आप सभी को यहाँ पर उपलब्ध करा दिया गया है। कृपया सभी प्रतिभागी अपडेट से मुखातिब होते हुए जल्द से जल्द सूचित हो जाएं दोस्तों। और जैसा कि अब आप देख सकते हैं कि अब आपको जो नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर के आप जो प्रतिभागी इंतजार कर रहे थे, तो अब आपको दोस्तों स्पष्ट तौर पर ज्ञात हो गया है कि अब यह प्रक्रिया आपके लोकसभा चुनाव के पश्चात ही आपको पूरी होती हुई दिखाई देगी। तो दोस्तों यदि आपको हमारा ये वीडियो और अपडेट पसंद आया तो आप हमारे YouTube चैनल राजस्थान वैकेंसी अपडेट को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इसी के पास में जो बेल आइकन है घंटा का निशान, इसे जरूर दबा दीजिएगा दोस्तों, जिससे कि आपको इसी प्रकार के आने वाले नई नई और लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन और नई नई भर्तियों से संबंधित लेटेस्ट अपडेट्स के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल के नोटिफिकेशन बार में पहुंचकर मिलते रहें और आप कोई भी अपडेट मिस नहीं कर पाएं। तो धन्यवाद दोस्तों, आपका ये छोटा सा प्रयास हमें बेहतर से और बेहतरीन करने के लिए प्रेरित करेगा, हमारे मनोबल में हजारों गुना वृद्धि करेगा, और हमें हमारे वीडियोस में नवाचार लाने के लिए प्रेरित करेगा। जिस प्रकार दोस्तों हम आपके लिए आपकी डिमांड पर चाही गई इच्छित भर्ती परीक्षा की जानकारी और विभिन्न यहां पर अपडेट्स को सबसे पहले सारे YouTube चैनलों में और वैधानिक सोर्सों के आधार पर उस समाचार और न्यूज़ की यहां पर उस भर्ती प्रक्रिया से संबंधित अपडेट की वैधानिकता की पुष्टि करते हुए आप सभी को वैधानिक सोर्सों के आधार पर वैधानिक न्यूज़ उपलब्ध करवा रहे हैं दोस्तों। तो आप हमारे लिए इतना सा कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा दोस्तों। आपका इतना सा ये जो करने का प्रयास है लगभग 1 मिनट से भी कम समय लेगा, और दोस्तों यदि आपको ये वीडियो और अपडेट पसंद
आया तो आप हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिभागियों तक अपडेट पहुँच सके और ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिभागी अपडेट से समय से पहले मुखातिब होते हुए लाभान्वित हो सकें, भयमुक्त, चिंता मुक्त और तनाव मुक्त हो सकें और इस भर्ती प्रक्रिया संबंधित जो अपडेट उन्हें चाहिए थी और इंतजार कर रहे थे बड़े बेसब्री से, वो अपडेट पा सकें। तो धन्यवाद दोस्तों, एक नई वीडियो, नई अपडेट और नई ऊर्जा के साथ फिर जल्द आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।